अपने दोस्त के साथ अभी लकड़ी जमा करने के लिए हम लोग जा रहे हैं साथ में। चलिए मैं अपने दोस्त के साथ आपको लकड़ी जमा करते दिखाता हूँ, और लकड़ी जमा करने के बाद हम आग जलाएंगे और लिट्टी चोखा कैसे बनता है आपको बताएंगे। आप जंगल पे बना सकते हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में। चलिए इसको पकड़। और भाई भाई मोटी लकड़ियां मिली। चलो आगे, चलो आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। भाई आगे की तरफ देख रहे हैं हम, देखने के जा रहे हैं यार मोटी लकड़ी कहीं पे मिल नहीं रही है। भाई लकड़ी कैसे टूटी? पानी का बोतल हमेशा अपने साथ रखें। अब बारी है इसे हम साइड पर रख देते हैं और इस तरह का बर्तन लेके चले। और मैंने कपड़ा भी लेके चला था साथ में, कहीं बैठने बैठने में काम आ जाएगा इसलिए। पर इसमें हम सामान को रख लेंगे अपना।
फाइनली हमारी लिट्टी अच्छे से बन गई है। अब इसे बारी है पकाने की, तो चलिए पकाने चलते हैं। आज काफी ज्यादा लग चुका है, अब अच्छे से लिट्टी को पकाने की। दोस्तों हमारा चटनी बनके तैयार हो चुका है, आप देखिए कितनी ज्यादा टेस्टी है। और इसमें हम इसको खाएंगे। चटनी बनके तैयार हो चुका है, देखिए देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से पका है। इसका जो मसाला है आप देख सकते हैं काफी टेस्टी है। देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छी तरह से पका है। अब इस तरह जंगल में पका सकते हैं, काफी ज्यादा मजा आएगा आपको इस तरह से। अब बना के खा सकते हैं, चटनी मेरे भाई ने बनाया है, काफी ज्यादा टेस्टी है। सिर्फ टमाटर आलू और थोड़े से प्याज से बना चटनी, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। और भाई अगर हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देख सकते हैं आप काफी ज्यादा टेस्टी है। ओके बाय गाइस, बाय बाय। जल्दी आने वाला है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और मेरा भाई भी कुछ कहना चाहता है, भाई क्या कहना चाहता है तू? और भी सब वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, शेयर करें। तो चल भाई शेयर कर देंगे तुम्हारे वीडियो को।